नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, ये 8 तस्वीरें होती हैं अशुभ। घर दुकान में लगाने से बढ़ती है गरीबी और दुर्भाग्य। कई लोगों को अपने घर में अलग अलग तरह की तस्वीरें लगाने का शौक होता है। ऐसे में किन तस्वीरों को लगाया ना घर के लिए अच्छा है और किन को लगाने से बुरा प्रभाव पड़ता है, इसका फैसला कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके भी घर या दुकान में इन 8 में से कोई भी तस्वीर मौजूद है तो उसे तुरंत हटा देने में ही फायदा है। बहते हुए पानी या झरने की तस्वीर। घर में बहते पानी या झरनों की तस्वीरें ना लगाएं। बहते पानी की तस्वीर घर में हो रहे आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। जिस घर में ऐसी तस्वीर होती है वहाँ धन नहीं टिकता। हिंसक जानवरों की तस्वीर। आजकल जानवरों की पेंटिंग को घर में लगाना चलन में है। देखने में आकर्षित लगने वाली ये तस्वीरें नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। इससे घर में क्लेश और हिंसा बढ़ती है। रोते हुए या परेशान बच्चों की तस्वीर। आजकल मॉडर्न आर्ट के नाम पर कई अजीब तरह की तस्वीरें चलन में हैं। कई लोगों के घर में रोते हुए बच्चों की तस्वीरें भी सजाई जाती हैं। ऐसी तस्वीर लगाने से दुर्भाग्य बढ़ता है। डूबते हुए जहाज या नाव की तस्वीर। डूबते नाव अगर घर में रखी हो तो यह अपने साथ आपका सौभाग्य भी डुबा देती है। घर में रखी डूबती नाव की तस्वीर या शोपीस घर के रिश्तों पर बुरा असर डालती है। महाभारत की तस्वीर। महाभारत पूजनीय ग्रंथ है, लेकिन इसे घर में रखना अशुभ माना जाता है। महाभारत युद्ध से संबंधित किसी भी तस्वीर को घर में रखने से तनाव और लड़ाई झगड़े की स्थिति बनती है। किसी भी युद्ध को दर्शाती तस्वीर। घर में किसी युद्ध पिशाच या जादूगर की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर की शांति भंग होती है। घर के सदस्यों के आपसी प्रेम और विश्वास पर असर पड़ता है। ताजमहल की तस्वीर। ताजमहल सुंदर होने के साथ साथ मुमताज की कब्रगाह भी है। इसकी तस्वीर या शो पीस रखने से नेगेटिविटी फैलती है। यह सीधे सीधे मौत से जुड़ा है, इसलिए इसे घर में ना रखें। नटराज की तस्वीर। लगभग हर डांसर के घर में नटराज की मूर्ति होती है। इसमें भगवान शिव तांडव नृत्य की मुद्रा में होते हैं, जो कि विनाश का सूचक माना जाता है। इसीलिए इसे घर में रखने से बचें। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।